हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में अधिकतर जानकारी दे दी जाए, ताकि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे लेवल पे इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ पाए और अपने इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर अग्रसर हो पाए। इसी के चलते हमने इस प्रोडक्ट सीरीज़ का भी निर्माण किया हुआ है, ताकि आपको आने वाले समय में अपने बिजनेस के लिए कोई एक बेहतर प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और जिसे आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर पाए। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत बहुत से प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर उसके वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहो तो उन सभी वीडियो को देख सकते हैं यहाँ इस आई बटन के ज़रिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इनमें से कोई एक प्रोडक्ट से अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज भी हम ऐसे ही एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कई अरसे से भारत आज इस प्रोडक्ट सीरीज़ में या इस सेक्टर में लगातार ऊपर वाले पायदान पर एक्सपोर्ट कर रहा है, और आने वाले समय में बढ़ती डिमांड के चलते हमारे एक्सपोर्ट का आंकड़े दिन ब दिन बढ़ने वाले हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम जानने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और भारत के लगभग सभी परिवारों की महिलाओं के जीवन का एक अविभाज्य घटक है, ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट गारमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज से आता है। यस, आपने सही पहचाना, ये प्रोडक्ट है सलवार कमीज, जिसे आज महिलाएं अधिकतर पहनना पसंद करती है। भारत के लगभग सभी परिवारों की महिलाएं इसे पसंद करती है। विभिन्न प्रकारों के ओकेजन्स पर इसे पहना जाता है, और हर किसी को ये ड्रेस पसंद है। इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो ये एक बेस्ट कमोडिटी है वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने के लिए। आज भारत इस प्रोडक्ट के ज़रिए पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है, क्योंकि भारत से बने हुए गारमेंट्स पूरी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। विदेशों में भी कई सारी महिलाएं हैं जो इनका हर दिन इस्तेमाल करती है। तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से ये अगर कमोडिटी के तौर पर हम ट्रेड करें विदेशों में, तो कैसी स्थिति है? इस प्रोडक्ट को हम क्यों चुने अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए? टेक्निकल डिटेल्स के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री को पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट साबित हो सकता है सलवार कमीज़, क्योंकि ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, इसमें तरह तरह की वैरायटीज़ आती है, जैसे कि चूड़ीदार हो, जैसे कि बांधनी हो, या फिर जैसे कि डिज़ाइनर वेयर, पार्टी वेयर, या फिर और भी तरह तरह के इसमें प्रकार आते हैं जो महिलाओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। भारत के विपरीत विदेशों में भी आज इसकी क्रेज है। दुनिया भर से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, और दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री को अपने बिजनेस का, अपने इंटरनेशनल बिजनेस का जरिया बनाना चाहते हैं, तो मेरी ये सलाह है आपसे कि आप इसके जैसे प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप इसके साथ ही ऐसे ही बेहतर प्रोडक्ट में अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाए और गारमेंट इंडस्ट्री को अपने तरक्की का जरिया बना पाए। सलवार कमीज इस प्रोडक्ट को अगर आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है, तो HS कोड होगा 621142। ये इसका प्रोडक्ट कोड है, जिसके जरिए आप इंटरनेशनली से ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं भारत में, ताकि अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्स करना हो तो इन राज्यों का रुख किया जा सकता है। आइए देखते हैं। भारत की संस्कृति ये विविधताओं से परिपूर्ण है, और पहनावा ये हमारे समाज का एक अविभाज्य घटक है। हमारे संस्कृति का एक आईना हमारा पहनावा होता है। उसी तरह से भारत में
हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं और उसे पसंद किए जाते हैं। भारत देश के विपरीत इन्हीं कपड़ों को आज विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है। अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सलवार कमीज़ को एक्सपोर्ट करना हो तो क्वालिटी ये बहुत बड़े मायने रखती है। क्वालिटी से क्वालिटी प्रोडक्ट चुनना हो या फिर उन्हें एक्सपोर्ट करना हो तो हमें रुख करना होगा कुछ राज्यों का। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत भर में अलग अलग तरह के सलवार कमीज़ बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हम इन राज्यों का रुख कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले पायदान पर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, फिर हरियाणा, फिर झारखंड और फिर आखिर में गुजरात का नंबर आता है। तो ये पांच ऐसे राज्य हैं जिनका हमें रुख करना होगा अगर हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी गारमेंट सोर्स करने हो। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्थिति आज वर्ल्ड मार्केट में कैसी है। अगर हमें सलवार कमीज इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, क्योंकि आज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना ही चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। दोस्तों, सलवार कमीज़ के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एज़ फार एज़ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ कंसर्न। इसका मतलब आज दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का भारत लगभग बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने नाम कर रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो वो सिर्फ 18.2% के करीब है, जिसे आने वाले समय में बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ाया जा सकता है बढ़ती डिमांड के कारण। लेकिन आज भारत में इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स की संख्या कम होने के कारण आज ये आंकड़ा सिर्फ 18% के करीब है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो पिछले साल भारत ने 8,397 मेट्रिक टन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, निर्यात किए थे। हम वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करें, वर्ल्ड वाइड डिमांड की बात करें तो इस प्रोडक्ट ने लगभग 38% की बढ़ोतरी दिखाई है पिछले 5 साल के स्टैटिस्टिक्स स्टडी करें तो 2015 से लेकर 2019 तक। तो इस तरह के डिमांड की ग्रोथ इस प्रोडक्ट ने दिखाई है, जिसे आने वाले समय में फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी है, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्शन लेवल बहुत बड़े मात्रा पर बढ़ा सकते हैं, बशर्ते हम इसे एक्सपोर्ट करें और अपनी तरक्की करें। भारत के एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत को प्रायोरिटी देते हैं इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने के लिए। तो आइए जानते हैं टॉप इम्पोर्टिंग कंट्रीज़। सबसे पहले पायदान पर है USA, उसके बाद UK, फिर स्पेन, फ्रांस एंड UAE। तो ये पांच ऐसे देश हैं जो भारत से भारी मात्रा में सलवार कमीज़ इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर आप इसे अपने बिजनेस का ज़रिया बनाना चाहते हैं तो इन पांच देशों को आपको अपने टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हैं। हर प्रोडक्ट के ही तरह इस प्रोडक्ट को अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हम गवर्नमेंट की सहायता भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि है AEPC, यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खास गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, ताकि एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने कस्टम्स की तरफ से निर्धारित किए हैं 2.3% से लेकर 3.7% तक के बेनिफिट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंडर बहुत से अलग अलग सब प्रोडक्ट्स है, सब कैटेगरीज है जिनमें ट्रेड किया जाता है, और उनके प्रोडक्ट कोड्स भी अलग अलग है। इसके लिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक हम क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम MEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंडर एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर क्लेम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जिसके परसेंटेज है 4%, जो कि पहले 2% था, अभी 2017 से 4% इसे कर दिया गया है, जिसका लाभ भी एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में तरह तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उसे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस आप एक ही तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को समझ गए
तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार आप इस सिस्टम में ढल गए या फिर आप इस सिस्टम को समझ गए तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं होगी। तो इसी फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो, इसके लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है इस वीडियो सीरीज़ के साथ साथ ही। अगर आप उन बुक्स को रिफ़र करेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से शेप कर सकेंगे, एग्रेसिवली इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड कर सकेंगे। तो ये सारे बुक इसलिए ये प्रैक्टिकल एंगल से बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। कोई भी एक्सपोर्टर्स हो उन्हें अपने बिजनेस के लिए ये रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो आज इन बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है। हमारे निरंतर प्रयास लगे रहते हैं कि आपको अपने बिजनेस के लिए अधिक से अधिक अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया जाए। भारत के लिए हम अच्छे से अच्छे एक्सपोर्टर्स क्रिएट करें और भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सके। आपके मन में भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा एक हैशटैग है, हैशटैग प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ी हो। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।